पहले दोस्तों सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है एमसी स्टैन की तरफ से। तो जो अनीसा दीक्षित हैं उन्होंने एक रील बनाई हुई थी, पहले आप ये देख लो। और इस रील को जो एमसी स्टैन है उन्होंने उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया हुआ था। इसके बाद अनीसा दीक्षित ने एक स्टोरी डाली जिसपे लिखा हुआ था, सो आई मेड अ रील ऑन एमसी स्टैन यस्टरडे एंड स्टैन शेयर्ड इट ऑन हिज स्टोरी फ्यू आवर्स बैक एंड दैट रील वेंट फ्रॉम 1 मिलियन व्यूज टू 2.5 मिलियन व्यूज इन जस्ट 2 आवर्स। आई मीन व्हाट अ हैक इज दिस इन्फ्लुएंस। तो इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आज रात 10 बजे एमसी स्टैन अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आने वाले हैं और इस हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है कि ये रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, मतलब वॉचिंग काफी ज्यादा होने वाली है। साथ ही एमसी स्टैन के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 9 मिलियन फॉलोअर्स क्रॉस हो चुके हैं। साथ ही जो थगेस हैं उन्होंने भी एक वीडियो बनाई हुई थी जिसमें कि उन्होंने एमसी स्टैन के बारे में क्या बोला हुआ है, आप खुद देख सकते हो। एमसी स्टैन बिग बॉस की पूरी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा वोटेड कंटेस्टेंट बन चुके हैं और तो और भाई ने 31 लाख का प्राइज मनी जीता, उसके साथ एक कार भी जीता। बिग बॉस जरा एक बात बताओ, वो लड़का 1.5 करोड़ का ज्वेलरी पहन के अंदर आ रहा है और तुम 31 लाख दे रहे हो। 133 दिन में जितने उसने प्राइज्ड कपड़े पहने हैं ना, तुम्हारा प्राइज मनी जाएगा उसमें। बिग बॉस आई नो सबको यहाँ पर वीकली एक फीस मिलती है, लेकिन 31 लाख। साथ जो अब्दुल रोजक हैं वो भी अपने इंस्टाग्राम पे लाइव आए हुए थे और एमसी स्टैन से रिलेटेड कमेंट्स का उन्होंने क्या रिएक्ट किया हुआ है आप खुद देख सकते हो। एमसी स्टैन पुचाम बेबी, एमसी स्टैन इज पुचाम बेबी, हिंदी मातृभाषा ये। साथ ही अब आपको पता होगा कि जो कर्मा है उन्होंने कलमकार छोड़ दिया हुआ है। तो एक किसी ने ट्वीट किया हुआ था जिसपे की लिखा हुआ था, अनरियल हेट फॉर अंकित खन्ना, लेवल छोड़ के भी कुछ नहीं हुआ बाकियों का। और इस ट्वीट को आप देख सकते हो जो अंकित खन्ना है उन्होंने लाइक किया हुआ है। साथ ही डिनी जेम्स ने एक ट्वीट किया हुआ था जिसपे की लिखा हुआ था, क्या गाना बन रहे हैं वाह। बाकी इस वीडियो में अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।